अब हम नेक्स्ट पॉइंट ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट डिस्कस करेंगे। कोई फंक्शन एक्स इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ? एक्चुअली डेरिवेटिव होता है टेंजेंट का स्लोप। एफ एक्स का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर y इज इक्वल टू एफ एक्स का जो ग्राफ होगा उस ग्राफ के x इज इक्वल टू ए पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप होता है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट का? अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ के ग्राफ पर x इज इक्वल टू ए पॉइंट में लेफ्ट साइड का टेंजेंट और राइट साइड लेफ्ट साइड के टेंजेंट का स्लोप होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट साइड के टेंजेंट का स्लोप होगा राइट हैंड। किसी कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है, इसका ग्राफ होगा x इज इक्वल टू ए, x कोऑर्डिनेट लिया नेचुरली y कोऑर्डिनेट पे होगा, एक पॉइंट हुआ कर्व पर, इस पॉइंट कर्व पे इस पॉइंट पर लेफ्ट साइड से टेंजेंट खींचे और राइट साइड से टेंजेंट खींचे, अगर दोनों टेंजेंट सेम लाइन हो जाए तो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड से जो टेंजेंट खींचेंगे उसका स्लोप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा और राइट साइड से जो टेंजेंट खींचेंगे उसका स्लोप राइट हैंड। फंक्शन को उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कहते हैं। तो दोनों का स्लोप सेम हो जाने का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट साइड का टेंजेंट और राइट साइड का टेंजेंट उस पॉइंट पर सेम लाइन हो जाएगा। तो ज्योमेट्रिकली एक ऐसा ऐसे भी कहा जाता है कि अगर ग्राफ में किसी पॉइंट पर कॉर्नर बन गया तो उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। कॉर्नर बनने का मतलब ही वो कॉर्नर बनने का मतलब ही हो गया कि उस पॉइंट पर राइट साइड का टेंजेंट और लेफ्ट साइड का टेंजेंट अलग अलग लाइन होगा और इसलिए फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड का टेंजेंट अलग अलग होने का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुआ ग्राफ, सिंपल ग्राफ हम ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। यहां पर क्या है लिमिट इसका देखना है, डज दिस लिमिट एग्जिस्ट। हमने कहा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कहां पर निकालना होगा। अगर एफ एक्स का लिमिट निकालना है एक्स टेंडिंग टू ए और अलग अलग हो तो हमको दोनों लिमिट अलग अलग। यहां पर देखने से नहीं लगता है कि अलग अलग है लेकिन है अलग अलग। कैसे? 1/x यहां पर है और x टेंड कराना है 0। अगर x टेंड कराएंगे 0, न्यूमरेटर में अगर फाइनाइट नॉन जीरो है, न्यूमरेटर में कोई भी फाइनाइट नॉन जीरो नंबर हो, डिनोमिनेटर टेंड करे 0, तो ये इन्फिनिटी होगा। प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है और माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि न्यूमरेटर कैसा नंबर है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, और डिनोमिनेटर टेंड टू 0 किस साइड से है। यहाँ देखें न्यूमरेटर में पॉजिटिव नंबर 1 है और डिनोमिनेटर टेंड टू 0 फ्रॉम लेफ्ट है, तो लेकिन ये माइनस इंफिनिटी होगा क्योंकि न्यूमरेटर पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट का मतलब x 0। और अगर 1/x का लिमिट x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम राइट लें तो यहां इंफिनिटी होगा लेकिन न्यूमरेटर पॉजिटिव है डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है तो प्लस। तो 1/x इस प्रॉब्लम में आता है और x टेंड कराना है 0, तो 1/x का लिमिट अलग अलग। और 3 का पावर अगर देखेंगे तो 3 का पावर एक्स एक्सटेंडिंग टू 0 फ्रॉम लेफ्ट अगर लेंगे तो 3 का पावर माइनस इन्फिनिटी होगा, यह 3 का पावर इन्फिनिटी होगा और 3 का पावर इन्फिनिटी 1 से बड़े नंबर का पावर इन्फिनिटी और ये क्या होगा एक्चुअली लूज लैंग्वेज में हम इक्वल टू लिख रहे हैं, एक्चुअली लिखना चाहिए अगेंस्ट लेकिन लूज लैंग्वेज में ऐसे भी लिखते हैं। वैसे ही 3 का पावर 1/x एक्सटेंडिंग टू 0 फ्रॉम राइट ये क्या होगा 3 टू द पावर इन्फिनिटी और 1 से बड़े नंबर का पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, इक्वल टू इन्फिनिटी भी लोग लिखते हैं, टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखना चाहिए लेकिन इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ क्या हो गया
लेफ्ट हैंड लिमिट अब हम निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग। क्यों लेफ्ट हैंड राइट हैंड करना पड़ा? क्योंकि ये फंक्शन का वैल्यू चेंज करना, 3 का पावर 1 बाय x लेफ्ट साइड से राइट साइड, लेफ्ट साइड से करा रहे हैं तो 0 चेंज करा रहे हैं, राइट साइड से करा रहे हैं तो लिमिट fx एक्सटेंडिंग टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, x अभी हमने देखा था कि x अगर 0 चेंज कराएंगे लेफ्ट साइड से तो 1 बाय x माइनस इनफिनिटी चेंज करेगा, और 3 टू द पावर माइनस इनफिनिटी क्या होगा, टेंस टू 0 हो जाएगा, और यहाँ 1 ये भी टेंस टू 0, 0 बाय 1 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, 0। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 फ्रॉम राइट, 3 टू द पावर 1 बाय x प्लस 1 बाय 3 टू द पावर 1 बाय x। ये देखिए यहाँ पर 3 टू द पावर 1 बाय x व्हेन x टेंस टू 0 फ्रॉम राइट टू इनफिनिटी, तो एक्चुअली ये इन्फिनिटी और 1 प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म इन टर्म लिख जाते हैं, और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म जब हो तो लिमिट निकालने का मेथड क्या होता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फिनिटी से न्यूमरेटर में जो स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फिनिटी है और डिनोमिनेटर में जो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मिलाकर जो स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फिनिटी है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो अगर हम दोनों तो सेम है, अगर यहाँ 4 टू द पावर रहता, यहाँ 3 टू द पावर रहता तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता, स्ट्रॉन्गर होता, इससे हम डिवाइड करते 4 टू द पावर। यहाँ दोनों सेम है इसलिए 3 टू द पावर 1 बाई एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करते। अब देखिए क्या हो गया, 1 दिस इज 1 बाय 3 टू द पावर इन्फिनिटी प्लस 1, 3 टू द पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, 1 बाय इन्फिनिटी इज 0, तो फाइनली इट इज 1 प्लस 0 दैट इज 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ गया, हियर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू, हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो हम क्या कहेंगे, हैंस लिमिट 3 टू द पावर 1 बाय x बाय 1 प्लस 3 टू द पावर 1 बाय x एक्सटेंडिंग टू 0 डज नॉट एक्सिस्ट। यहां पर इस प्रॉब्लम में x टेंस टू 0 अब लेफ्ट राइट करना है कि नहीं, यहां से हमें एक्सटेंड कराइएगा 0 लेफ्ट से तो ये माइनस इंफिनिटी होगा, राइट से तो ये प्लस इंफिनिटी होगा, और 3 का पावर माइनस इंफिनिटी और 3 का पावर प्लस इंफिनिटी अलग अलग होगा, इसलिए हमको दोनों लिमिट अलग अलग निकालना, दोनों लिमिट इक्वल नहीं आ रहा तो हम क्या कहेंगे, दिस लिमिट